अरे भाई, मंदी खिलाता बोल के सीधा दुबई को ले लेके आ गया क्या? पहले ही अगर बोलता तो मेरे कपड़े थे, बैग था, परफ्यूम, शॉर्ट्स, शूज सब रख लेके आ जाता हूँ था ना। अरे मामू, दुबई नहीं होता ये। ये अल फनार मंदी हाउस है, जहाँ का एम्बियंस पूरा दुबई के जैसा है। जब एम्बियंस दुबई के जैसा है, अरब की पूरी फीलिंग है, तो मंदी कैसी होंगी सोचो आप। आइए मेरे साथ, मंदी तो ट्राई करेंगे। अच्छा है क्या? माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, सब अच्छा है। यहाँ की मंदी उससे भी अच्छी है। हाँ आइए चलिए। रोरा कहीं को, रोरा कहीं को। शेरू भाई गए शीशी ले लेके आते बोले तेरी। भाई क्या जगह पे ले लेके आए भाई, क्या जगह है, क्या झूमरा है, क्या एम्बियंस, क्या नजारा है भाई। और खाना तो कल ऐसा घुसते कि क्या खुशबू आ रही थी मंदी की, सुपा मंदी बेभरी खुशबू आ रही थी भाई। और आपके सर का आदमी ने देखा भाई, क्या आदमी है भाई, माशाल्लाह से बेभरा आदमी है। मैं मंदी खिलाता, आपको टेंशन न कोलियो। आप बॉस बेसर हमारे हाथ धुले के आएंगे। चलिए, इतना सब बोलने का मतलब एक ही है, आज हम लोगों को मंदी खाना दिल बोल रहा था, तो हम लोग डिसाइड करें कि जबरदस्त हैदराबाद में मंदी कहाँ मिल रही। बोलते हम लोगों को मालूम हुआ अल फनार मंदी हाउस में मिल रही, जो कि बहादुरपुरा पे है। इसलिए आज हम लोग आ गए मंदी खाने के लिए। तो चलिए मंदी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, कॉमेडी भी होंगी, हंगामा भी होगा, और यहाँ का एम्बियंस कैसा रहता है, यहाँ के खाने कैसे हैं, वो भी सब आपको बताएंगे। आप भी हम लोगों के साथ रहिए। चलिए दुआ पढ़ लीजिए। बैठ रहे भाई, मगाया ना शीशी, अब को अफसोस में। सीधा बैठ, सीधा बैठो बेटे, आ रहा खाना। कैसे बेसब्री चाले कर रहा? बाहर से इडली खा लेके फिर रहा हूं, मंदी खाने जाना है बोले तो। मैं तो भी इडली खा के आया हूंगा, वहां तो चाय बिस्किट डाल लेके आया ऐसा दिख रहा। नींबू पानी पी लेके आया हूं, घर से वैसी भिजा दी ऐसा दिख रहा, इस वास्ते इतनी ऑनटन हो रही। अरे या तो खामोश बैठो यार। खैर, हमारी पिच तैयार है, हमारे प्लेयरा भी तैयार है, और साथ में खालू भी है, मामू भी है। मंदी कहाँ है? मंदी आ गई मंदी, मगर मंदी से पहले का सूप कहाँ है? सूप मंगा रहे भाई। सूप आ गया, सूप लीजिए, सूप लीजिए, सूप। नहीं नहीं, एक बार से खा लो। बेटे क्या है ये? एक चमचा ही तुम्हारे को एक महीना चलता, तुम ऊपर से दो दो कटोरियां ले लिए। नहीं भाई, कल के आज से ले रहा था। उनसे यहाँ चुपी नहीं आ रहे हो? यकीन मानो आप, तीन चार कटोरियां पी लेना वैसा है सुख। क्या बात है खालू। देखिए क्या बोला था मैं, खाली इडली खा लेके है बोला, बेसब्री चाले कर रहा बोल के। अब सुन लिया ना क्या बोला उन्हें, पांच छह कटोरे पी लेता हूँ बोला। अरे जान दो मामू, बेचारे खाली पीली खाने पे से उठ के चल जाएंगे उन्हों। अपन जाने वालों में से नहीं है, भेजाने वालों में से। यहाँ कौन सा भेजा है तो जाने वालों में से। मामू तुम खामोश बैठो, मैं पार्सल का बंदोबस्त करा रहा हूँ तुम्हारे वास्ते। ठीक है ठीक है, खाओ खालू। रे क्या तो भी है, तीन कटोरे खा गया, अब क्या कटोरा भी पी जाता? भाई जबरदस्त है सूप, सूप जबरदस्त है बोल के सूप पी गया। मलाई जो आ रही ना इसमें, हाँ खालू को मलाई बहुत पसंद है भाई। खालू का तीसरा चर्रा, एक मैं और एक मंगा लेके पी लेता ना भाई। ए, खालू की एज 40 के ऊपर है, तुम संभाल सकते, तुम नहीं संभाल सकते, बस है तुम्हारे। हेलो मामू, सब चीज़ आ गए, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, इतने आइटम है अल्हम्दुलिल्लाह, खा के घर को भी ले जा सकते हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से खाइए,
लुत्फ उठाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले प्रॉन्स। अज्जू क्या जगह लाए बाबा? हाँ खालू फिर झुकी आपका भाजा नहीं बोलते खालू। जबरदस्त सही जगह लेके आ रहे, बेहतरीन टेस्ट है। हाँ फिर भाजा किसका हो मामू? हाँ उसको देखते रहे। सिल्वर जरा मच्छी पास करो। वाह मस्का है, मस्का मच्छी बेटे। तरकारी है ने, नूडल से ऊपर से डाल रहा हूँ, सीधा खा बेटे। जबड़ों में जो प्लेजर आ रहा ना। हाँ ओफ 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 अलग है खाने। ओह जू, हाँ। वो गलाफ में क्या लपटा हुआ है? गलाफ में एक अलग चीज है खालू, मामू जरा गलाफ दियो। लो इससे खोलो इससे। मटन मफूद है ये, मनफूद। मामू जरा तुर्कीश मटन लियो, तुर्कीश मटन में खालू। एक पीस आप लियो। थैंक यू मामू, एक पीस तुम्हारा। मिलजुल के खाएंगे भाई, मिलजुल के खाएंगे बेटे। प्लेट साफ कर दो, प्लेट साफ कर दो। हूँ कटोरा कैसा कर रहे थे अभी? खाली नगद अठमा दे रहा वही ने, चावल कुछ है ही नहीं। देखो हाँ चावल भी है बेटे, क्या करते? खाली नगद दे रहा है इन्हें बैठ के। मामू ये तो खाली वार्म अप है जी, आगे आगे देखो क्या खाता हूँ मैं। क्या प्लेट तो दिए वो? अरे भाई और कर दे रहा है इन्हें। इसको उल्टा लटका के नीचे से अरंडी का तेल लगाना। इसको उल्टा लटका के काली मिर्ची का धुआं दियो। लास्ट टाइम दिए थे मामू, असर नहीं हुआ उसको। अब ये नया समझ रहे तुम, तेल का लगे हो? बोलता हूँ तुम्हारे रात में आलू का तेल निकाल के ला लियो अंदर। ये खा के वो खा तुम चावल, अभी वो भी बाकी है चावल। ये खा या वो खा जाने, तब हम लोग खा जाता ऐसा दिख रहा। ये खा के वो खाता, साइड में थोड़ी जगह रखा हुई। बड़ी साइड दिख रही तुम्हारी, थोड़ी देर में उसमें तीर्थ सर का दिख रहा तुम। अरे जरा खाने दियो यार, नो भर रहे खादू भर रहे मामू भर रहे क्या है? बैठो हो जाओ, बैठो बैठो। अज्जू हेलो, किशमिश का आलम देख रहे हैं आप? एक एक किशमिश सिल्वर के साइज की है। हाँ खालू जरा पहले गिराक है को बोलो उसको, जरा गिराक हो गया डिजिल उन्हें दलाता हूँ बोला, बुरा मान के चल जाएंगे। अच्छा नहीं खाओ, मुझे बढ़िया आराम से खान दो। खाओ बेटे खाओ, खाओ खाओ माँ खाओ, खा लो बेटे खाओ। कोई भी कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे छोटे भाई। खाओ बेटे, है ना डीजल के पैसे? हाँ 200 लाया भाई। उठ उठ उठ। अरे भाई ये खा लेके जाता हूँ भाई। 200 रुपये ला के पूरा खाना खाता? अरे डीजल दलाता बोला ना 2000 का। आज अगर खालू और मामू का सख्का निकालने का दिन नहीं रहता था तो एक वाके में उठा के भेज दिया था। अरे हाँ मैं कई बार बोला मियाँ बच्चों को मत लगाया करो बोल के। नहीं खालू झांसी में आ गया, मैं डीजल दलाता बोला था। अरे जू मामू इन्हें खुद लोगों से लिफ्ट मांग के जाता, इन्हें गाड़ी में 2000 का डीजल दलाया वैसा है ने? ये तो अपने अंदर बुरी आदत है ना मामू, लोगों की बात पे जड़ बोल के भरोसा कर लेते अपन, लोगों के ऊपर भरोसा करके यकीन कर लेते बातों पे। यही आदत अच्छी नहीं दिखती, लोगों पे भरोसा कर लेता। भरोसा करके आज ये आलम पे आ गए मामू। जिंदगी में पहली बार सही बात बोले, अज्जू की एक ही आदत है जो बुरी है, जो लोगों पे भरोसा कर लेता जल्दी। जर्रा खाली खो जाए तक रान गए पूरी। पहले ही बोला तुम्हारे को खाली नगद दे रहा है ना, बोल चावल छिया ही नहीं। रे उठ रे उठ। क्या खालू बहुत सुकून से खा रहे तुम? मेरा हर काम सुकून का रहता, पूछ ले खाला से। वो तो मेरे को मालूम खा लो, तुम्हारी शादी होके 40 साल हो रहा, तुम्हारा बेटा 2 साल का है। वो नहीं खाला का है।
भाई ये कैबेज के साथ ये लाल मिर्ची आ गई, मुंह जर रहा था पाके। इसलिए बोलते बेटे नीयत साफ रखना, नीयत में खतरा झोली में फतरा, इसको बोलते। हट हट, ये अपने से बैगन के बात बर्दाश्त न होते, जा रहा हूँ अब मैं। ठीक है जा, ये पूरा खा लेके जाता हूँ। जाएंगा तो नुकसान करके जाएंगा, और तू लगा लेके लाया तो है, बर्दाश्त कर। अब क्या कर सकते हैं मामू, अपनी फितरत में है ना सबको लेके चलना बोल के, हम लोग ऐसे करे तो अपन क्या करेंगे। अब तो सैमी जा रहा हूँ मैं, अपने से ना होता। अब ये अब जितना खाया ये नींबू पानी पी लिया तो पूरा हजम आता है। नींबू पानी नहीं होता रे, वो हाथ धोने का सिलाई सो जाहिल, हाथ डुबा के धो रे। बस बेटे क्या पूरा घस देते नींबू को, हाथ में खत्म हो जा रहा तुम्हारे। इतनी बड़ी कटलीस, इतना पेट भर के खाए ना, फिर कटलीस कहीं को मंगाया जू। अरे कटलीस नहीं होती खालू, ये कुनाफा बोलते इसको। आ मुनाफा, कोसे कारोबार में से हुआ भाई है मुनाफा। बोले मुनाफा नहीं है वो, कुनाफा बोलते हैं उसको, अरबी स्वीट है वो। हाँ फिर, और यहाँ का कुनाफा पूरे हैदराबाद में फेमस है। चलिए बिस्मिल्लाह। कहा तो भी मिला रहे भाई ने तेरे को। मामू गावा बोले तो जुम्मे रात की रात, जुम्मे की सुबह लगने वाली थी, मैं चेतक पे 5 पॉइंट पेट्रोल दलाले के आ रहा था, एकदम सड़न तेज हवा स्टार्ट हो गए, बारिश पड़ हवाओं से पूरे बिजलियां कड़कड़ कर धूम धूम मचे हुई रोडों पे, एक कुत्ते का बच्चा नहीं दिख रहा। मैं जा रहा हूँ कचरा कुंडी में से रोने की आवाज आ रही, मैं किसकी तो भी रोने की आवाज आ रही है, जाके देखा तो एक थैला पड़े हुआ है, थैले में खोल के देखा तो कुत्ते का बच्चा है। अरे बेचारा किसका है कि कुत्ते का बच्चा बोल के उठा दो, पीछे ने आवाज दिया भाई मेरा है वो कुत्ते का बच्चा बोल, बोला अब इसको अकेले को तो ले जाते बोल के, इसको भी ले लेके आसान। मैं क्या कर रहा था वहाँ कचरे की कुंडी का, वही तो पूछना है, इसलिए तो लगा लेके रखा मैं इसको। इससे गलती कर लेते रहते तुम हमेशा, मालूम ना कहा मामू तुम्हारे तो यही गलती हुई तो आ गया है। पूरे मजे ले रहा रे तू भी। वो बहुत मजा आ रहा है भाई। मैं क्या बोला जैसी नीयत वैसी बरकत। ये हल्लोल्लू खाओ बेटे, हल्लोल्लू खाओ माँ, पेट में दर्द होता बेटे, इतना नहीं खाना, पहले इतना खा। वाह बेभरा है कुनाफा, अगर आप लोगों को भी ये बेभरा कुनाफा खाना है, जबरदस्त लुत्फ उठाना है तो सीधा अल्फनार मंदी हाउस आ जाना। चलिए और क्या देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंदी, रोज़ बुखारी, प्राउन्स, फिश, ग्रिल चिकन, कुनाफा और भी कई सारे चीज़ों का लुत्फ उठाने के बाद आज हम आपको मिलाएंगे हमारे हरदिल अजीज अल्फनार मंदी हाउस के मकसूद साहब से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मकसूद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलना चाहेंगे आप अब हमारे व्यूवर्स को, हमारे देखने वालों को? हमारे को तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितने देखने वाले हैं आप अपनी तरफ से उनको क्या बोलना चाहेंगे और अपने टेस्ट और एम्बियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद अहमद है, आज शहबाज भाई और शहबाज भाई की टीम हमारे पास लंच के लिए आए हुए। ये हमारा अल्फनार मंदी हाउस बहादुरपुरे पे है, हमारे पास वेराइटी ऑफ फूड है, अरबियन डिशेस है, मंदी है, रोज़ बुखारी है, खुनाफा है, स्टार्टर्स है, फिश है, प्रॉन्स है, चिकन, मटन, सी फूड में काफ़ी वेराइटीज़ है हमारे पास। डेजर्ट्स में भी जो है खुनाफा है, फ्रूट सैलड है, और जो है ड्रिंक्स में जो है मॉकटेल्स है, सऊदी शैम्पेन है, और भी बहुत सारे वेराइटीज़ है हमारे पास। हमारे पास अलग से सेपरेट फैमिली सेक्शन है फैमिलीज़ के लिए, और इधर जनरल सेक्शन है। हमारे पास पार्किंग की भी फैसिलिटी अच्छी है, आप लोग ज़रूर आइए। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बार ज़रूर विज़िट करिए अल्फनार मंदी हाउस बहादुरपुरा। अस्सलाम वालेकुम।